बलिया में भी दरदर मुनि के नाम पर लगने वाले ऐतिहासिक व धार्मिक दरदरी मेले में भारतेंदु कला मंच की गरिमा ताक पर रखकर नगर पालिका परिषद बलिया ने जनता के गड़ाए कमान के देश के सबसे साहित्यिक और धार्मिक मंच पर कराई जा रही है। फुहर नाच और गाने लोगों में काफी आक्रोशित है। नगर पालिका के अध्यक्ष ने इस नाच को अभद्रता को माना है। बता दें वही दूसरी तरफ नाचने वाले स्टेज डांसरों को नारी शक्ति बता रहे हैं। वही चेयरमैन कहा कि आजकल भव्यता की भी पूजा की जा रही है। आप जरा इस डांस को देखिए और सुनिए, या किसी शादी समारोह में नहीं है, यह कार्यक्रम सबसे धार्मिक और साहित्यिक मंच राजा हरिश्चंद्र द्वारा स्थापित भारतेंदु कला मंच की तस्वीरें हैं, जिससे गरिमा को खुलेआम धूमिल किया जा रहा है। शादियों में डांस करने वाले इस कलाकारों को इस मंच पर नाचा जा रहा है। इस मेले में आयोजन नगर पालिका परिषद बलिया के अध्यक्ष ने कहा कि यह धार्मिक मेला है। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। ददरी मेला किस तरह का ये मेला है, कितना धार्मिक मेला है और कितना पुराना मेला है? देखिए ये ददरी मेला 2023, क्योंकि हम लोग जन्म इस भूमि पर लिए हैं, हमें जहाँ तक इतिहास पता, हमको अपना परिवार का भी, कि जैसे जैसे भृगु जी का मंदिर आया है उसी तरह मेरा परिवार भी आया है। तो मैं तो मानता हूँ कि मैं, हम लोग जो है उन्हीं के परिवार के और उन्हीं के परिवार के सदस्य, तो ये मेरा कर्म है कि इस राष्ट्रीय धरोहर जो ददरी मेला, जो मन की बात में हमारे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी मेलों में जिक्र किया है, तीन मेलों में, सोनपुर का और ददरी मेले का और माघ मेले का, तो इस मेले का अपना एक स्थान है और इस मेले को पुनर्जीवित, देखिए जीवित तो सभी लोग हैं लेकिन पुनर्जीवित में भव्यता, इसको मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ये धार्मिक इसकी है महत्व है और अखंड भारत का ये दूसरा मेला है। ये मेला भी धार्मिक है, इसका धार्मिक महत्व है, मनोरंजन के दृष्टि से इसमें और भी लगा दिए गए, लेकिन इसका यज्ञ से शुरू हुआ था महर्षि दर्शन के, अब उसमें हमारे भारतेंदु हरिचंद जी आए उस समय के साथ, ये मंच आपको बता दें कि आज़ादी से भी इसका जुड़ा हुआ है। ये इस मंच पर आज़ादी की बात हुई थी कि हमको आज़ाद कैसे होना है, तो तब धीरे धीरे उसमें ये मंच हुआ, तो धीरे धीरे साहित्यकारों का जो मावड़ा हुआ, तो भाई जैसे जैसे होगा उसमें, इसलिए मुशायरा, कवि सम्मेलन, अन्य जितने भी कार्यक्रम, उसमें जो लेटेस्ट इसमें 21वीं सदी की जो सोच है उसमें, जिससे कि पब्लिक भी सुनना चाहती है, वो कार्यक्रम होते हैं, लेकिन महत्व इसकी धार्मिक है। ये यज्ञ हुआ था और उनके ददर मुनि ने यज्ञ किया था, महर्षि भृगु जी के शिष्य थे वो, और उन्होंने यज्ञ किया था और यज्ञ में कितने हजार संख्या में लोग आए थे, और उस समय जो है इसके धीरे धीरे मेले के रूप दे दिया गया, और मैं भी उनका वंशज हूँ, और हो सकता है कि मैं भी उसमें कुछ उसमें जोड़ दूं। ये भी मंच जो है, ये भारतेंदु मंच, इसका किस तरह का धार्मिक महत्व है और क्या महत्व है इस मंच का? देखिए मंच का, देखिए आज के हर चीज जुड़ा हुआ है, ये इसका महत्व तो बहुत है, आज़ादी से है, आपके इस मंच को बढ़ाया गया। देखिए ददर मुनि जी यज्ञ किए, लेकिन मंच आया भारतेंदु हरिचंद जी के बाद, तो इसको साहित्य से जोड़ दिया गया, अब उसके बाद से इसमें जो है उसमें कुछ कला, भाई हमारे भोजपुरी समाज का कला है, हिंदी समाज का कला है, तो उसमें और भी इसे कार्यक्रम उसमें जोड़ दिया गया। ये मेला सर कितने, इस मेले में लगभग कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? देखिए टोटल मेले की जो है, ददरी मेले का टोटल लगभग 5 करोड़ का है, जिसमें केवल नगर पालिका आपको केवल हैंगर की दे रही है करीब 1 CR का करीब है बजट। कितना का? 1 CR का है, उसमें 1 करोड़ का है, जिसमें आप जो देख रहे हैं टोटल कुर्सी से लेकर और प्लस साउंड है, 20 दिन का हैंगर का भी है और उसका ये मंच का भी है, मैंने यहाँ की जो भी ये व्यवस्था है, लाइट का है, LED का है, साउंड सिस्टम दिल्ली से, बनारस से, कुछ बलिया से, तो सारे लेकर जो है।
हरिश्चंद्र अपने आप में एक आधुनिक युग के साहित्यकार कहे साहित्यकार हैं, उनके मंच पर बार बालाओं का भी नाच देखने को मिल रहा है, कैसे क्या कहेंगे आप? नहीं, आप एक बताएं, कोई बार बाला नहीं है, ये हमारे नारी शक्ति है, हमारे मोदी जी हैं। देखिए, क्यों का व्यवसाय अलग हो सकता है, किसी का नाचने का हो सकता है, किसी का गाने का हो सकता है, किसी का लिखने का हो सकता है, नजरिए को बदलना पड़ेगा। वो मात्र शक्ति है, हमारी घर की नारी है। हाँ, भद्रता का विरोध हो सकती है, लेकिन बार बाला यहाँ पे कोई नहीं। हमारे हिंदू चाहे जितने भी हमारे एक्ट्रेस हैं, हीरोइने हैं, भाई हमारे घर की लड़कियाँ हैं, हमारे घर की लड़कियाँ हैं, वो फिल्मी जगत में चली गई, ये कोई बार बाला का नहीं है। जहाँ तक सवाल है, आप बार बालाओं का यहाँ पर कोई प्रोग्राम अगर होना रहता तो मैं हैंगर की क्या जरूरत थी, वो तो दो चौकी चार चौकी लगा देंगे तो हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को पूछने से पहले थोड़ा सा आपकी आपको भी धार्मिक सोच को भी बदलनी है। सर, मंच पर अश्लीलता अभद्रता जो आप कह रहे हैं, गाए जा रहे हैं, अभद्रता जो लग रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, देखिए वो हमारे भोजपुरी समाज में इसे प्रमोद प्रेमी को मैं इसकी उनका अपना स्टाइल है, वो अपना स्टाइल में अभद्रता ना कहिए, उनका अपना स्टाइल है। अभद्रता होता है कि आप अभद्रता एक बात नोट कर लीजिए, अभद्रता क्या होती है? आप अभद्रता ये नहीं होती है, ड्रेस कोड से अभद्रता होती है, गाने में अश्लीलता ना हो, शब्दों में अश्लीलता ना हो। लेकिन जो भिखारी ठाकुर जी ने और वही धुरान जी ने जो हमारे जो भोजपुरी के जो है समझ लीजिए कि कहे जाते हैं, मान के चल के आधुनिक भारतेंदु हरिचंद वही है, उन्हीं के हो सकता है वंशज हो, ये तो उसी की रचना लिखी की जा रही है, पेश करने का नजरिया कुछ अलग हो सकता है। देखिए, भव्यता की आजकल पूजा हो रही है। मैं आपको एक बात स्पष्ट बता दूं, आप हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु हैं, काशी विश्वनाथ जी का मंदिर जो उनका शिवलिंग है वो भी जगह पर है, और उनका जो अहिल्या बाई होलकर द्वारा बनाया हुआ मंदिर भी जगह पर है।